अगर बात करें गर्मी को लेकर के, तो राजस्थान में मौसम के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। अप्रैल महीने की अगर बात करें तो कई पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से लोगों ने यहाँ गर्मी से राहत पाई, लेकिन अब मई की शुरुआत हो चुकी है और मई लोगों को परेशान कर देने वाली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भरत हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। भरत, राजस्थान में कई रंग मौसम के देखने को मिल रहे हैं, पल पल में मौसम जो है वो करवट बदल रहा है, लेकिन अप्रैल की अगर बात कर रहे हैं तो अप्रैल से हालांकि गर्मी की शुरुआत हो जाती है, लेकिन अब की बार कई पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुए जिसकी वजह से अप्रैल ने लोगों को कम परेशान किया, लेकिन अब मई की शुरुआत हो चुकी है तो कैसे रंग मई में देखने को मिलेंगे मौसम के? मैं आपको बता दूं, जैसे ही गर्मी का सितम चालू हुआ है, वही अब लोगों को गर्मी ने परेशान करना शुरू कर दिया। मैं अप्रैल की बात करूं तो अप्रैल में जो पश्चिम विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा, कहीं कहीं मानसून मेहरबान भी हुआ था, वहां पर अप्रैल महीने में थोड़ा लोगों को गर्मी से राहत मिली थी, लेकिन जैसे ही मई का महीना शुरू हुआ है तो गर्मी ने अपने वही तेवर दिखाना शुरू कर दिया। मैं अलवर की बात करूं तो अलवर में फिलहाल 42 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। वहीं सुबह 8 बजे से ही धूप लोगों को परेशान करने लगी है। वहीं दोपहर की बात करूं, दोपहर में सड़कें सुनसान दिखने लगी। वहीं मैं मौसमी बीमारियों की बात करूँ, अस्पताल की ओपीडी भी 2000 के पार पहुंच चुकी। अब मौसम विभाग की भरत, अगर गर्मी की बात करें तो मई में अब लोगों को परेशान कर देने वाली है ये गर्मी, क्योंकि तापमान भी मौसम विभाग के अनुसार 40 से 45 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। लेकिन अगर लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के बात करें, क्योंकि गर्मी की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में खान पीन को लेकर भी लोगों के स्वास्थ्य पर काफी विपरीत प्रभाव पड़ते हैं, तो अगर बात करें अलवर की, तो अलवर में लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, अस्पतालों को लेकर के क्या कुछ अपडेट है? जी, मैं बताऊंगा, कई गर्मी शुरू लोगों की जो अस्पताल है ग्रामीण क्षेत्र में, खासतौर पर जो अस्पताल है उसमें ओपीडी लगातार बढ़ने लगी। वहीं डॉक्टर ने सभी को सलाह दी है कि तेज धूप में बाहर ना निकले, वहीं जो चीज है उसका सेवन करें, जब भी घर से कोई जरूरी काम बाहर निकले तो अपने कुछ खास कर निकले, वही शरीर से कुछ जो बचाव करते हुए निकले। हालांकि अनावश्यक बाहर निकलने से डॉक्टर ने मना किया है। वही लगातार जब बढ़ रहे मरीजों को देखते हुए डॉक्टरों की टीम भी अलर्ट हो गई है, सभी को इजाजत दी है कि ज्यादा गर्मी में अनावश्यक बाहर नहीं घूमे। वही लगातार बढ़ रही गर्मी ने लोगों को परेशान किया है। आज की बात करूँ तो आज सुबह 8 बजे से ही गर्मी ने अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। वहीं मैं सरिस्का क्षेत्र की बात करूँ तो अलवर के सरिस्का क्षेत्र में भी अब वनजीवों को गर्मी परेशान करने में लगी हुई है। वहीं पानी की किल्लत से वनजीव अब इधर उधर भी भटकने लगे। हालांकि सरिस्का प्रशासन ने वनजीवों के लिए पानी की व्यवस्था भी कर रखी है, लेकिन जिस तरह गर्मियों के दिनों में वनजीवों को पानी चाहिए उस तरह की उनकी आपूर्ति नहीं हो रही है, इसीलिए सरिस्का प्रशासन भी गर्मी को देखते हुए अलर्ट हो गया। वहीं अलवर में लगातार गर्मी बढ़ने से लोगों की दिनचर्या पर भी प्रभाव पड़ने लगा है। जी जी भरत, तमाम जानकारी देने के लिए धन्यवाद।